When the Goods Get Together is a book which was written by Luce Irigaray, who is a prominent French philosopher, and along with that, she is also a feminist theorist. In this book, Irigaray argues different women-related topics. So, without any further ado, let's get into the explanation of this essay. इस टेक्स्ट की एकदम बिगिनिंग में लूस इरिगेरे एक आर्ग्यूमेंट पैदा करती है. वो कहती है कि किस तरह पैट्रियार्की हमारे सोसाइटी में पूरे ट्रेड एंड कॉमर्स सिस्टम को मैनेज कर रही है, यानी कि पूरी जो ट्रेड एंड कॉमर्स की जो सिस्टम है, जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, वो पैट्रियार्की से डोमिनेटेड हुई है. मतलब सिर्फ मैन ही वहाँ पर डोमिनेंट है. उनका मानना यह है कि ट्रेड एंड कॉमर्स की जो पूरी एक सिस्टम होती है सोसाइटी में, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैन ही एक रोल प्ले करता है, और वहाँ पर वुमेन आर ट्रीटेड एज कमोडिटीज टू बी एक्सचेंज बिटवीन मैन. इट मीन्स दैट वुमेन आर सीन एज गुड्स. उनका कोई ऐसे सेल्फ रोल नहीं होता है, उनको मेयर ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है बाय मैन इन द सोसाइटी. लूस इरिगेरे यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट खड़ा करती है. वो कहती है कि ट्रेड एंड कॉमर्स की जो सिस्टम है, वहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी एक अलग सेंस पे लिया गया है. यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को होमोसोशलिटी से मीन किया गया है, जहाँ पर ये मीन होता है कि ट्रेड रिलेशंस आर बिटवीन मैन ओनली, मीन्स ऑफ द मीन बिटवीन द सेम जेंडर्स ओनली. होमोसोशलिटी का ये मीन्स है कि जो पूरा एक सिस्टम है सोसाइटी का ट्रेड एंड कॉमर्स में, बिजनेस में, बाइंग एंड सेलिंग, वो सिर्फ मेन के बिटवीन ही ऑर्गेनाइज्ड है. वहाँ पर मेन और वुमेन के बीच पे कोई भी बिजनेस डील्स नहीं होता है, बिजनेस रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए वो एक होमोसोशल बिहेवियर है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंटेन पैट्रियार्की इन द सोसाइटी. If they will not maintain this homosocial order in the society, then the authority of men will be diminished and women will start gaining their power. And this patriarchy do not want that. Therefore, maintaining homosociality in trade and relations is very important to maintain patriarchy and to maintain the authority of men and to dominate women. If there will be no homosocial behavior between men, if men will not act as dominant creatures, then they cannot rule over the women, who are seen as mere objects or submissive things. Men are the only one who can engage in trade and commerce. They use women like goods and exchange them in the marriage market like some mere commodities. इसका अर्थ क्या है? इसका तो सिंपल सा अर्थ है, हम सब देखते आ रहे हैं कि वुमेन का जो रोल है, वुमेन का अपना चॉइस उनको नहीं दिया जाता है, और उनको जैसा कहा जाता है वैसा ही उनको करना पड़ता है. मतलब सारा कुछ ट्रेड एंड रिलेशंस मैन संभालेंगे, और वुमेन को एकदम एक कुछ चीज़ की तरह, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उनका शादी कर दिया जाएगा. लेकिन उस शादी में भी वुमेन का अपना चॉइस नहीं होता है, उनको उसी से शादी करना पड़ेगा जिससे, मतलब डोमिनेंट उनका मैन बोले, या तो उनका फादर या ब्रदर ऐसे लोग बोले, उनसे ही शादी करना पड़ेगा. पर इसके बाद इरिगेरे ये कहते हैं कि होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन आर ओनली एक्सेप्टेबल टिल इट इज़ फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स पर्पोजेज ओनली. मतलब होमोसोशल बिहेवियर तक ही उसको एक्सेप्ट किया जाता है. अगर किसी तरह वो होमोसेक्सुअल बिहेवियर, मतलब मैन लव्स मैन हो जाए फॉर रोमांटिक टर्म्स और फॉर अदर टर्म्स अदर देन बिजनेस, देन इट बिकम्स अनएक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी. शी इज़ गिवन द एग्जाम्पल ऑफ फादर सन रिलेशनशिप. द फादर सन रिलेशनशिप इज एक्सेप्टेबल एज अ प्योर रिलेशनशिप विच इज होमोसोशल इन ऑर्डर, मीन्स इट इज ऑल्सो ए रिलेशनशिप बिटवीन टू मैन. बट इफ इट बिकम्स अ रिलेशनशिप विच goes a step beyond, मतलब अगर यहाँ पर homosexual relationship के रूप में हम father and son को देखा जाए, तो वो एकदम ही unacceptable होगा society में. इरिगेरे कहती है कि normalizing homosociality between men is a form of power and trade relation and which ensures that women are excluded from power. लेकिन अगर वही relationship between men एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाए, मतलब दो मैन अगर एक दूसरे से प्लेजर लेने की कोशिश करे, तो वो एक बहुत ही
अनएक्सेप्टेबल रिलेशनशिप माना जाएगा सोसाइटी में, क्योंकि तभी मेल डोमिनेंस नहीं हो पाएगा और मेन अपना एबिलिटी लूज कर देंगे कि वो वुमेन पर अपना कंट्रोल बनाए रखे। इसीलिए होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मेन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द सोसाइटी। इन द सोसाइटी फैलस यानी कि पीनस को एक पावर का एक सिंबल माना जाता है, मतलब कि मेन आर द सिंबल ऑफ पावर। बट व्हेन द सेम फैलस और द पीनस बिकम्स अ सोर्स ऑफ obtaining pleasure from the same gender, then it becomes a scandal, then it becomes unacceptable in the society and people never accept it. इसके बाद लुई इरिगेरे सिगमंड फ्रॉयड की एक assumption को criticize करती है। सिगमंड फ्रॉयड तो एक बहुत ही famous theorist है, psychoanalysis का एक theory उन्होंने दिया था हमको और हम सबको उनके बारे में पता ही है। अब इरिगेरे होमोसेक्सुअलिटी बिटवीन वुमेन को डिस्कस करती है। सिगमंड फ्रॉयड का मानना ये था कि होमोसेक्सुअलिटी वॉज एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल और देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विथ दोज पीपल हु आर होमोसेक्सुअल्स। इसीलिए सिगमंड फ्रॉयड ने एक थ्योरी तो नहीं कहूँगी, एक मतलब एजम्पशन दिया था जिसमें उन्होंने अपने एक कुछ पेशेंट्स को उन्होंने अच्छे से एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करने के बाद उन्होंने एक एजम्पशन दिया था कि क्यों एक पर्सन होमोसेक्सुअल बनता है। इसके बाद फ्रॉयड ने अपने ही एक फीमेल पेशेंट को एनालाइज़ किया ताकि वो ये जान सके कि होमोसेक्सुअल क्यों बनते हैं लोग, मतलब क्या डिफेक्ट है उनमें। तो उन्होंने ये देखा कि वो होमोसेक्सुअल पेशेंट देखने में तो बाकी सारी नॉर्मल फीमेल्स के जैसे ही थी, उस पेशेंट का भी फिज़िकल फीचर्स एकदम नॉर्मल था, उसका वो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था वैसा, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम भी नहीं था, ना ही कुछ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग था। लेकिन फ्रॉयड ने ये नोटिस किया कि उस पेशेंट में जो हाइट था वो हाइट उनके पिता के जैसे, मतलब द हाइट ऑफ द पेशेंट वॉज लाइक हर फादर एंड शी डिड नॉट पोजेस द ग्रेसफुल फेमिनाइन फीचर्स। ये सब बातें एनालाइज करने के बाद सिगमंड फ्रॉयड ने एक एजम्पशन आगे बढ़ाया। ही सेड दैट द मेन रीजन व्हाई वुमेन बिकम होमोसेक्सुअल्स इज बिकॉज दे वांट टू इमिटेट मेन। दिस इज अ वेरी सीरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉयड। उनका मानना ये था कि हर एक होमोसेक्सुअल वुमेन मेन के जैसा बनना चाहती है, इसीलिए वो रोल प्ले करती है। अगर हम ध्यान से किसी होमोसेक्सुअल कपल को देखें तो उनमें से एक ज़्यादा मस्कुलिन किस्म का होता है और एक ज़्यादा फेमिनाइन होती है। तो इसीलिए फ्रॉयड ने ये कंक्लूजन दिया कि जब भी कोई फीमेल मैन को इमिटेट करती है, मतलब कि कॉपी करती है, तब वो होमोसेक्सुअल बन जाती है। लेकिन ये अजम्पशन सुनकर लू इरिगेरे की तो खून खौल उठी। वो बोलते हैं कि आपने तो हम औरतों को मेयर कॉपीकैट्स बनाकर रख दिया, हम क्या औरतों का कुछ और काम नहीं है? क्या हम मेन को इमिटेट करने का ही हमारा सिर्फ एजेंडा है? इरिगेरे आर्ग्यूज दैट द एनालिसिस गिवन बाय सिगमंड फ्रॉयड इरेजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ वुमेन, रिड्यूसिंग देम टू मेयर इमिटेटर्स ऑफ मेन। वो कहते हैं कि ये जो सिगमंड फ्रॉयड का पूरा एनालिसिस है ये एकदम बेकार है, मतलब इसका कुछ भी साइंटिफिक इवेल्यूशन है ही नहीं, ये एकदम प्योरली फैब्रिकेटेड और इमेजिनरी एक एजम्पशन है जो कि फ्रॉयड ने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया। सिगमंड फ्रॉयड का पूरा एनालिसिस के पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजनिंग है ही नहीं, इसीलिए हम इसको नहीं मान सकते हैं, ऐसा लू इरिगेरे का कहना था। देयरफॉर शी वेहेमेंटली क्रिटिसाइजेस ऑल द मैन इंक्लूडिंग द ग्रेट थ्योरिस्ट सिगमंड फ्रॉयड एंड सपोर्ट्स वुमेन एंड देयर एजेंसी इन द सोसाइटी। She believes that women do not want to copy men and they only want to experience the pleasures which they are not allowed by the society and they are always treated as mere commodities and in order to escape that role, women try to bond with other women and they try to experience the different pleasures of life. टेक्स्ट के एंडिंग में लू इरिगेरे एक क्वेश्चन पूछती है, व्हाट इफ गुड्स रिफ्यूज टू गो टू द मार्केट। तो इसका यहाँ पर गुड्स का मीनिंग तो वुमेन है, ये हम सबको पता ही है। अगर वुमेन रिफ्यूज़ कर देती है कि वो इस
पूरी मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी, जो मार्केट मैन के द्वारा कंट्रोल की गई है। तो वुमेन अपना खुद का एक मार्केट प्लेस क्रिएट कर सकते हैं। शी सेज दैट इफ गुड्स, दैट मीन्स इफ वुमेन रिफ्यूज टू गो टू द मार्केट कंट्रोल बाय द मैन, देन दे कैन क्रिएट देयर ओन इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, वेयर देयर इज ओनली प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट टू बी फाउंड। देन दिस स्टेट विल बी कॉल्ड एज यूटोपिया। मतलब ये एक इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल वर्ल्ड है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हो जाए तो इसको यूटोपिया कहा जाएगा, जहाँ पर सब कुछ एकदम हैप्पीनेस और प्लेजर पर डिपेंडेंट होगा, जहाँ पर मैन की एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। और इसके साथ ये ऐसे ख़त्म हो जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, मुझे आशा है कि आप सब लोग इसे अच्छे तरह समझ गए होंगे। थैंक यू।